नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने शेल कंपनियों के शक में जिन 331 कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी, इसमें से दो कंपनियां जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज में कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बीएसई ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेबी के इस फैसले के खिलाफ दोनों कंपनियों ने सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट का दरवाजा खटखटाया था और सैट ने आज सेबी के फैसले पर रोक लगा दी। अब सेबी के फैसले पर रोक के बाद बाकी कंपनियां भी सैट जा सकती हैं। कल पार्श्वनाथ डेवलपर्स कवित इंडस्ट्रीज की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्र इस वक्त और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? बिल्कुल, नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सैट के आदेश का पालन करते हुए वो इन दोनों कंपनियों यानी प्रकाश इंडस्ट्रीज और जय कुमार इंफ्रा में कल से जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यानी जो पहले की स्थिति थी सेबी का आदेश आने के पहले की, वो वाली स्थिति बहाल होगी। यानी इन दो कंपनियों में कल से जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और जो पार्श्वनाथ डेवलपर्स का मामला है और जो कवित इंडस्ट्रीज का, इन दोनों ने भी सैट में आज सैट से आज मांग की थी कि उनका भी आज ही के दिन फैसला कर दिया जाए उनके मामले पे भी, लेकिन सैट ने कहा कि उनकी सुनवाई कल होगी और कल जो है उनका पक्ष सुनने के बाद सैट की ओर से फैसला आएगा। लेकिन ये जो उम्मीद की जा रही है कि बाकी जो और भी कंपनियां हैं जिस तरह के, जिनका कामकाज अच्छा है, जिनके जिनका कोई बड़ा इस तरह का बड़े ऑर्डर बुक हैं, अच्छा कामकाज चल रहा है, ऐसी का और भी कंपनियां जो है सेबी के पास जा सकती हैं। और इसी को आधार बनाकर सेबी ने जो ऑर्डर जारी किया, वो सेबी ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जारी किया। सेबी ने सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात को मानकर जारी कर दिया और सेबी ने अपनी ओर से, ना एक्सचेंजेस ने अपनी ओर से कोई जांच पड़ताल नहीं की। आज की सैट की सुनवाई के दौरान ये भी मामला उठाया गया कि सेबी के पास अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की चिट्ठी 9 जून को आई हुई थी तो उसके बाद से सेबी ने क्या कार्रवाई की और अचानक से फिर फैसला क्यों ले लिया। यानी 2 महीने का करीब करीब वक्त था सेबी के पास इन कंपनियों से जवाब पूछने का, उनको सुनवाई का मौका देने का, और उसके बाद फिर शायद वो कोई कदम उठाता सेबी। इस बात को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से कंपनियों की ओर से पेश किया गया कि आखिर सेबी ने ये क्यों नहीं किया अगर उनको शेल कंपनी होने का शक था तो। जी जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो दिन भर कैसा रहा, क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, उसके तहत मेरे सहयोगी ब्रजेश जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस फैसले का असर शेयर मार्केट पर कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल सेबी के फैसले पर सैट के रोक लगने की जो खबर आई, उसके बाद बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। बाजार में आज लगातार 4th दिन गिरावट रही। बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखी। 21 जुलाई के बाद निफ्टी 9,850 के स्तर के नीचे लुढ़क गया। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,800 के अहम स्तर को भी तोड़ दिया था और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 266 अंक, निफ्टी 87 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट रही। बीएससी रियल्टी और फार्मा इंडेक्स 3-5% की गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, पावर, तेल, गैस, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों में जोरदार बिकवाली रही। बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही बंद हुए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा हुआ है जो करेक्शन आया है, और 5000 पॉइंट का 40% अगर हम पकड़ते हैं तो 2000 पॉइंट का करेक्शन टॉप से होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हाफ करेक्शन हो गया है और हाफ बाकी, यानी कि 1000 पॉइंट गिर गए हम टॉप से है। और 1000 पॉइंट यानी 30,600 के आजू बाजू मेरे ख्याल से मार्केट स्टडी होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो अपने आप स्टॉक्स परफॉर्म करने लगेंगे। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए में आप हीरा खरीद सकते हैं तो शायद ये आपको मजाक लगे, लेकिन ये सच है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हीरे में फ्यूचर ट्रेडिंग को मंजूरी दी है। ICEX 3 डायमंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा जो 30 सेंट, 50 सेंट और 1 कैरेट के होंगे, और इस सिलसिले में ICEX बैंकों, ग्रेडिंग एजेंसी से अग्रीमेंट भी करेगा। 30 सेंट के हीरे के लिए, जिसकी मौजूदा कीमत 27,000 रुपए है, इसे पाने के लिए आपको 900 रुपए की EMI 30 महीने तक चुकानी होगी। और ये दुनिया का पहला डायमंड ट्रेडिंग एक्सचेंज होगा जिसमें SIP के जरिए भी निवेश किया जा सकता है, और इसके लिए खरीदार को ICEX ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना होगा।
अब खाता खोलने के बाद खरीदार को जो केवाईसी है उसका प्रोसेस पूरा करना होगा और ब्रोकर के पास कुछ पैसा जमा करना होगा। डायमंड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग डीमैट के जरिए होगी और खरीदार हीरे का एक सेंट भी खरीद सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक का इस साल सरकार को 31,000 करोड़ रुपए से भी कम डिविडेंड देने का इरादा है। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने आज 30,659 करोड़ रुपए के डिविडेंड देने को मंजूरी दी। बीते साल की बात करें तो रिजर्व बैंक ने 65,876 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, यानी बजट अनुमान के मुकाबले रिजर्व बैंक से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। अब कम डिविडेंड मिलने से सरकार का वित्तीय घाटा कम होने की आशंका भी बढ़ सकती है और माना यह जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान नए नोट की छपाई और पुराने नोट को नष्ट करने से रिजर्व बैंक का खर्च बढ़ा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि रिवर्स रेपो ऑक्शन यानी कि बैंकों के पास सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर पैसे जुटाने से भी रिजर्व बैंक का खर्च बढ़ा है। जीएसटी रेट में कटौती के लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन की बातें सामने आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कैंपेन के लिए भारी फंडिंग हो रही है। सूत्रों का यह कहना है कि जीएसटी काउंसिल पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भ्रम फैलाने वाले कारोबारियों पर वित्त मंत्रालय की टीम नजर रखे हुए है। साथ ही जीएसटी की विजिलेंस टीम ऐसे प्रोपेगेंडा को रोकने की भी कोशिश कर रही है। आपको ये बताएं कि हाल के दिनों में सैनिटरी नैपकिन और हाइब्रिड कार जैसे सेक्टर के लिए काफी बड़ी मुहिम चलाई गई थी। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीएसटी को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। छमाही आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आज संसद में पेश कर दी गई। सर्वे में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 10 नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपए के खर्च का भी अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019 और 2020 में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि 2019 फूड सब्सिडी के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए के खर्च होंगे। आर्थिक सर्वे में डेवलपमेंट ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ जैसी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से बताया जाता है। आर्थिक सर्वे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड और शेयर खरीदने के लिए जल्द ही आधार को जरूरी किया जा सकता है। सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल सरकार ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए इसे जरूरी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ये मान रही है कि सिर्फ पैन से टैक्स चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही। सरकार ने हाल ही में पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी किया है। 31 दिसंबर तक सभी बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी किया गया है, लेकिन अभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए आधार जरूरी नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड के ई केवाईसी आधार के जरिए किए जा सकते हैं। आज के एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अघोषित संपत्ति के मामले में एनडीटीवी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी की दोनों अर्जियां खारिज की हैं। आपको बताएं, एनडीटीवी ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनडीटीवी की पहली अर्जी थी साल 2007-2008 के दौरान 405 करोड़ की कथित अघोषित आय पर टैक्स लगाने के खिलाफ और दूसरी याचिका थी एनडीटीवी की 324 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ। इससे पहले इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने भी 14 जुलाई को अपना फैसला बरकरार रखा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह आरोप है कि एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वहीं एक और बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की पुणे स्थित एम्बे वैली टाउनशिप की नीलामी रोकने से इंकार कर दिया है। सहारा ग्रुप ने कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर एम्बे वैली की नीलामी रोकने की अपील की थी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे एम्बे वैली की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 7 सितंबर तक सेबी के अकाउंट में 1,500 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। यह भी साफ किया था कि अगर ग्रुप वक्त पर सभी का पेमेंट कर देता है तो नीलामी की प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। अब कोर्ट ग्रुप से इंस्टॉलमेंट में वसूली कर रहा है। अब तक ग्रुप 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है और 25 जुलाई को कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर को एम्बे वैली की नीलामी की प्रोसेस शुरू करने का निर्देश भी दे दिया था।
अब आपको दिखाते हैं जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। पिता विजयपत सिंघानिया के साथ चल रहे प्रॉपर्टी विवाद पर बेटे गौतम सिंघानिया ने अपनी बात सामने रखी है और बाकायदा जी बिजनेस को ईमेल भी लिखा है जिसमें गौतम सिंघानिया ने काफी सारी बातें शेयर की हैं। ये ईमेल क्या है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि मेरी रेमंड के चेयरमैन और विजयपत सिंघानिया के पुत्र के तौर पर दो अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। मामला कोर्ट में है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये पुराना मामला है जिसे ऑडिट कमेटी और रेमंड का बोर्ड शेयर होल्डर्स के पास लेकर गया जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और नियमों के लिए जरूरी था। शेयर होल्डर्स के फैसले के लिए सभी संबंधित तथ्यों को उनके सामने रखा गया। शेयर होल्डर्स ने ट्राई पार्टी अग्रीमेंट को खारिज कर दिया। हालांकि मैं खुद इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा। मैंने यह बात भी कही कि अगर मैं वोट करता तो शेयर होल्डर्स और कंपनी के हित के लिए उस प्रस्ताव के खिलाफ ही करता। मैंने यह भी कहा कि शेयर होल्डर्स का हित परिवार के मुकाबले सर्वोच्च है, इसलिए शेयर होल्डर्स के फैसले का स्वागत करता हूं। एक पुत्र के रूप में निजी विवादों पर मैं अपने पिता और परिवार से पिछले 2 साल से लगातार बातचीत कर रहा हूं और एक आज्ञाकारी पुत्र की सभी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। एक सौहार्दपूर्ण हल के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। आपको बताएं कि ये जो ईमेल है गौतम सिंघानिया का जी बिजनेस को तब आया है जब कल खुद जी बिजनेस ने उनके पिता विजयपत सिंघानिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और विजयपत सिंघानिया ने इस पूरी इमोशनल बातचीत में कई जो उनकी भावनाएं हैं वो हमारे सामने रखी। चले आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू होगी। एनसीएलटी के इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई की याचिका को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल अब इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति करेगा जो कि इसका आकलन करेगा कि कंपनी के कर्ज को कैसे वसूला जाए। इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत 180 दिनों के अंदर एक रेजोल्यूशन पैनल पेश करना होगा, एक रेजोल्यूशन प्लान पेश करना होगा और इसमें 90 दिनों तक का एक्सटेंशन भी मिलता है। इसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकल पाता तब कंपनी की संपत्ति को बेच दिया जाएगा। जेपी इंफ्राटेक उन 12 कंपनियों में शामिल हैं जिनके नाम आरबीआई ने इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए दिए थे और इसके पहले याद दिलाएं एसआर स्टील, भूषण स्टील और आमटेक ऑटो के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया की मंजूरी दी जा चुकी है। आज एक बहुत ही जरूरी ऑर्डर आया। दरअसल दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी ने नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर जुर्माना लगा दिया है और अगर कोई भी व्यक्ति नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करता है या फिर उसके पास इसे पाया जाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी एक हफ्ते में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार से वेस्ट मैनेजमेंट पर रिपोर्ट भी मांगी है। 1 जनवरी से ही दिल्ली में डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है। वही खबर मुंबई से जहां पर आज बीएमसी के 2 प्रस्ताव विवादों में घिर गए। पहले प्रस्ताव में बीएमसी ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने को कहा तो वहीं बीएमसी एक ऐप ला रही है जिसमें जानवर की कुर्बानी से जुड़ी सभी जानकारियां देना जरूरी होगा। मुंबई में बीएमसी ने अपने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएमसी के स्कूलों में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाए। बीएमसी ने एक और विवादित फैसला किया है। मुंबई में बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी का ऐप ला रही है जिसमें जानवर की कुर्बानी से जुड़ी सभी जानकारियां देना जरूरी होगा। उसे मैं एनिमल हस्बेंड्री इंडिया के अंदर कैसा महाराष्ट्र स्टेट होता है, हर आदमी के पास कितना कैट है, काऊ है, बुलक है, ये बफेलोज है, उसके बारे में हम सिरगंती हो जाएगी। वहीं विपक्ष ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। देखिए सरकार की तो यही कोशिश है कि इस मुल्क के अंदर मुर्गी कटना बंद हो जाए, बकरे कटना बंद हो जाए, बैल कटना बंद हो जाए, भैंस कटना बंद हो जाए, इंसान कट जाता है तो चल जाएगा। धार्मिक क्रिया में, धार्मिक कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन डालने की कोशिश है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रखने के लिए सरकार कानून में बदलाव कर रही है। राज्य सरकार ने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव के लिए बिल राज्य विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया बिल मंजूर होने के बाद दुकानें 24 घंटे और 365 दिन खुली रह सकेंगी। फिलहाल दुकानों को रात 10 बजे तक,
कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को रात 9:30 बजे तक और रेस्टोरेंट्स को रात 12:30 बजे तक खुला रखने की छूट है। और कानून में बदलाव करने के बाद महिलाओं के लिए 9:30 बजे से लेकर रात को 7:00 बजे तक काम करने की इजाजत भी होगी, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति भी लेनी होगी और दुकान मालिकों को अपनी मर्जी से खुले रखने और बंद करने का अधिकार होगा। हालांकि आम जनता की भलाई के लिए राज्य सरकार कुछ मामलों में वक्त तय कर सकती है। आपको बताएं, पहले भी ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी और कानून व्यवस्था की दिक्कत के नाम पर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। आने वाले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक बाइक देश की सड़कों पर छा जाएंगी। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि अगर आप अगले 6 महीने में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पेट्रोल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की योजना बनाएं। लेकिन सरकार के इस दावे में कितना दम है, ऐसा क्या वाकई हो सकता है? देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ सकती हैं, ये रिपोर्ट देखिए। छह महीने में छाएंगी इलेक्ट्रिक बाइक। पेट्रोल बाइक्स का जाएगा जमाना। सच होगा ई बाइक्स का सपना। जी हाँ, दावा तो यही है। जरा कल्पना कीजिए कैसा होगा वो दौर जब सड़कों से पेट्रोल और डीजल की बाइक्स हट जाएंगी। कैसा होगा वो वक्त जब सड़क पर भागती दौड़ते इन टू व्हीलर्स की जगह सिर्फ ई बाइक्स नजर आएंगी। बेशक ये बात सपने जैसी लगती है, लेकिन परिवहन मंत्री इस सपने को हकीकत में बदलने का दम भर रहे हैं। देश के पर्यावरण को बचाना है तो जैविक ईंधन और पर्याय ईंधन के सिवा पर्याय नहीं है। एक आज का विषय नहीं है, पर वे बच्चों को मैं आपको आह्वान करूंगा कि 6 महीने के अंदर अब आपको बाइक लेनी है तो पेट्रोल डीजल की मत लेना, आपको 65,000 से 70,000 रुपए में इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अगर आप अगले 6 माह में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पेट्रोल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की योजना बनाएं, क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक 65,000 से 70,000 के बीच मिलेगी। गडकरी का दावा है कि जितने सफर के लिए फिलहाल आप 75 रुपए का पेट्रोल या फिर 60 रुपए का डीजल लगाते हैं, उतना ही सफर आने वाले समय में केवल 8 रुपए के इलेक्ट्रिक फ्यूल से तय होगा। इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है कि अगर आप रात में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करते हैं तो बिजली के बिल में 50% तक की छूट भी मिलेगी। इससे बाइक चलाने की लागत आधी हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने में भी मदद मिलेगी। और अब वो दिन दूर नहीं है कि 75 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का डीजल इक्विवेलेंट टू 8 रुपए की बिजली, पोल्यूशन नहीं, इंपोर्ट सब्सिडी। बेशक सरकार इस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वाकई देश इसके लिए तैयार है? क्या ई बाइक्स में मन मुताबिक पिकअप और स्पीड मिलेगी? क्या इतने ई व्हीकल चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? पेट्रोल डीजल टू व्हीलर की इंडस्ट्री का क्या होगा? इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कब तक बनेंगे? ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा कब दिया जाएगा? अब ये सपना कितना प्रैक्टिकल है, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि देश से पेट्रोल और डीजल की टू व्हीलर को हटाकर इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाई जाएं, जिससे न केवल फ्यूल का खर्चा कम होगा बल्कि प्रदूषण भी काबू में आएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या नहीं तो आपकी गाड़ी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है और गाड़ियों के पॉल्यूशन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। कोर्ट ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल केंद्रों के लिए ऑल इंडिया रियल टाइम ऑनलाइन प्रणाली अपनाने का भी आदेश दिया ताकि प्रदूषण प्रमाण पत्र देने में किसी भी हेरफेर की जांच की जा सके। वहीं अशोक लेलान ने कहा है कि जीएसटी से कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है और हमसे खास बातचीत में अशोक लेलान के ही एमडी विनोद दसारी ने कहा कि दूसरी छमाही में कमर्शियल व्हीकल्स का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। सर, जीएसटी का भी इम्पैक्ट आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कमर्शियल व्हीकल का मार्केट है, इसे आप पोस्ट जीएसटी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो डाउन टाइम है वो काफी रिड्यूस हो गया है, तो क्या आपके सेल्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है? क्या सेल्स कम हुई है? नहीं, उसके चलते कोई इम्पैक्ट नहीं आया।
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री केवल जीडीपी पे नहीं चलती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो टिपर सेल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और माइनिंग भी हो रही है, सो और जीडीपी भी बढ़ रही है, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। नंबर ऑफ व्हीकल्स कम भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बड़े व्हीकल्स बिक रहे हैं तो उससे रेवेन्यू बढ़ता है। जेट एयरवेज ने भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर फ्रीडम सेल का ऑफर दिया है। 11 अगस्त से शुरू हो रही इस सेल में इकोनॉमी क्लास में 30% और प्रीमियम किराए पर 20% की छूट का फायदा मिलेगा। यह ऑफर वन वे और रिटर्न टिकट दोनों पर मिलेगा। टिकट 16 अगस्त तक बुक की जा सकेंगी। यात्री 44 घरेलू और 20 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए ये टिकट बुक करा सकेंगे। घरेलू डेस्टिनेशन के लिए यात्रा 5 सितंबर 2017 से और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए 15 सितंबर 2017 से की जा सकेंगी। जेट एयरवेज ने कहा है कि आजादी की 70वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए ही यह ऑफर दिया गया है। जेट एयरवेज 64 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरती है। देश की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सॉफ्टबैंक विजन फंड से अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिला है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट में 250 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इस निवेश के साथ ही फ्लिपकार्ट का कैश रिजर्व 400 करोड़ डॉलर के पार चला गया है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया है। फ्लिपकार्ट ने 2007 से लेकर अब तक 600 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई, जो कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा है। फ्लिपकार्ट ने अप्रैल में 140 करोड़ डॉलर टेंसेंट होल्डिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प से जुटाए थे। सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन जब डील नहीं हो पाई उसके बाद भी सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट में निवेश का इरादा नहीं छोड़ा। इस निवेश के बाद सॉफ्टबैंक फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा निवेशक हो जाएगा। टाइगर ग्लोबल का प्रभाव कंपनी में थोड़ा कम होगा। सॉफ्टबैंक ने 140 करोड़ का निवेश पेटीएम में भी किया है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश के मुसलमानों के असुरक्षित होने का जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। हामिद अंसारी ने यह भी कहा कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट सहयोगियों के सामने भी उठाया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि देश के कई हिस्सों से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। हामिद अंसारी ने कश्मीर मुद्दे को राजनीतिक समस्या बताया और कहा कि इसका राजनीतिक समाधान ही होना चाहिए। प्रॉब्लम इज हैज ऑलवेज बीन प्राइमरीली अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड इट हैज टू बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली। Well, when young boys and girls come out onto the street and throw stones day after day, week after week, month after month, it is something to worry about because they are our children, they are our citizens. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. उपराष्ट्रपति के बयान पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने बयान पर सवाल उठाए हैं तो समाजवादी पार्टी ने बयान का समर्थन किया है। बड़ी बड़ी चुनौतियां देश के लोगों के सामने आई हैं, देश के सामने आई हैं। उन चुनौतियों पर विजय हासिल करते हुए भारत के लोगों के इसी संस्कृति और संस्कार ने देश को मजबूत किया है और आगे मजबूत करेगा। जिस तरह भाजपा और उसके सहयोगी लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके के मैसेज डाल रहे हैं, जिस तरह नारे लगाते हैं, उससे कहीं न कहीं अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित समझ रहा है। बट मेरे कहने के अनुसार हिंदू भी डरे हुए हैं क्योंकि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है और कोई मुसलमान यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है और ये नहीं कहता है कि वो काफिर हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।